Hey guys, welcome back with another blog. So right now we are in Rishikesh. तो सबसे first point जो अपन पहले घूमने जा रहे हैं वो है राम झूला, जो कि हम लोग आ चुके हैं अभी. जस्ट ये रहा राम झूला हमारे सामने. तो राम झूले पे काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हिल भी रहा है और डर सा भी लग रहा है. और यहाँ पे सारी वादियां ही वादियां हैं. देखो ये पूरी वादियां ही वादियां हैं. यहाँ पे अच्छे खासे पहाड़ हैं, काफी अच्छी नेचुरल जगह है ये. और यहाँ से देखो पूरी गंगा नदी जा रही है इधर से. और थोड़ा सा डर लग रहा है बस. गए थे शिव जी के उधर तट पर, जो घाट है वहाँ पे जहाँ शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो. और एक बीच में हनुमान जी का मंदिर भी पड़ेगा, वहाँ पे भी जा सकते हो. काफ़ी मंदिर हैं इधर से जाते जाते आपको, जब राम झूले से आप जाओगे. तो ये जो व्यू था ये था राम झूले का. अभी हम लोग जाने वाले हैं लक्ष्मण झूला, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी बात करने वाले हैं राफ्टिंग और कैंपिंग की, जो हम करेंगे आज. अभी अपन लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूले की ओर. राम झूला मैंने दिखा दिया था, अभी अपन जा रहे हैं लक्ष्मण झूले की ओर. तो लक्ष्मण झूला भी देखते हैं. और लक्ष्मण झूले पे गाड़ी नहीं चल पाती ना, गाड़ी ले तो, जाता नहीं है. हाँ, गाड़ी उस पे से नहीं जाती है, राम झूले पे से चलती है गाड़ी वगैरह. बट इधर से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, पूरा सफर जो रहेगा पैदल ही आना पड़ेगा आपको. गाइज ये जो दोनों झूले हैं ये थोड़े से ऐसे झूलते हैं क्योंकि ये वायर वाले हैं, तो हवा चलती है तो ये ऐसे ऐसे होते हैं. और इन पे कोई लाइटनिंग वगैरह नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर लगते हैं. आप यहाँ आए हो तो ये दोनों झूले घूमो. और जानकी जानकी झूला भी है यहाँ पे, तो वो भी घूम सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है. वो भी अपन घूमेंगे अभी यहाँ से, वहाँ चलेंगे जब. तो चलते हैं अभी मंदिर में. तो लक्ष्मण झूला क्रॉस करते ही हमने ये सब लिया यहाँ पे, रुद्राक्ष की माला, अंगूठी वगैरह और तुलसी की माला ली है. और दूसरा वाला ये वाली अंगूठी ली हमने, जो कि अगर आप टूट जाइए तो आप इन्हें वापिस कर सकते हैं. ये अपन जा रहे हैं अभी जानकी झूले से, या बोल सकते हैं जानकी ब्रिज से, जो कि राम और लक्ष्मण झूले के सबसे पहले पड़ेगा. ये सबसे पहले यही पड़ेगा, फिर राम झूला पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा लक्ष्मण झूला. तो ये भी काफ़ी खूबसूरत झूला है और काफ़ी तेज हवा यहाँ पे चल रही है. तो फर्स्ट में आप यहाँ पे घूमिए, फिर राम झूले पे जाइए और फिर जाइए आप लक्ष्मण झूले पे. तो ये बहुत सही जगह है, ये ज़्यादा ऊँचा भी है, उन दोनों झूलों से ज़्यादा ऊँचा है, क्योंकि ये बहुत आर्टिफिशियली यानी बहुत अच्छे से बनाया गया है ये झूला. देखो पीछे नीचे, तो काफ़ी सही झूला है. यहाँ पे भी आप घूम सकते हो. अब नॉर्मली आप अगर यहाँ आए हो तो आप ऑब्वियसली घूमोगे ही यहाँ पे. कोई भी आपको सजेस्ट ही करेगा कि इन सब चीज़ों पे घूमो आप. I can't pretend that we're not been, oh,
I think I'm overdosing. भाई हम लोग चलते चलते जानकी ब्रिज से यहाँ पे आ गए थे त्रिवेणी घाट पे, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे नहाने का बहुत सही है क्योंकि थोड़ा सा रुका हुआ पानी है इधर, तो यहाँ पे काफ़ी आराम से नहा सकते हो आप अगर यहाँ पे आते हो तो। और इधर 6 बजे आरती भी होती है, तो उसको भी देखने आ सकते हो। बहुत अच्छे से आरती करते हैं यहाँ पे। मंगल करो, थैंक यू।